हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रानू रजा। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक विदाउट ओवन, वो भी कढ़ाई में। ये केक बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आज हम विदाउट एग, विदाउट कंडेंस मिल्क और विदाउट बटर के केक बनाएंगे। ये केक बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी आसानी से घर पर ही तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, उसे रखा है फुल फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर रखा है और उसमें डाला है 2 कप नमक। ये मेरा यूज़ किया हुआ नमक है, आप नया भी डाल सकते हैं। और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। चलिए बैटर बना लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और 1/2 कप पाउडर शुगर। मिक्स करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। शुगर हमारी डिजॉल्व हो जाने तक हम इसे बीट करेंगे। शुगर हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, सबसे पहले डालेंगे 1 कप ऑल पर्पज फ्लोर मैदा, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे और 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP डालेंगे बेकिंग सोडा, 2 पिंच डालेंगे सॉल्ट। मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे केक का बैटर बहुत अच्छा स्मूथ तैयार होता है। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। मिल्क हम नॉर्मल ही यूज़ करेंगे, ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करेंगे। स्मूथ बैटर बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। मिक्स करेंगे। इस बैटर को बनाने में हमारा 1 कप मिल्क यूज़ होगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 TSP वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा पूरा 1 कप दूध यूज़ हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हमें मिक्स करना है और स्मूथ बैटर बनाना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक टिन लेंगे, इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल से और इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। मैंने बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बटर पेपर सभी के पास नहीं होता है, इसलिए आप मैदा डालिए। अगर आपके पास है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना पूरा बैटर डाल दिया है, अब हम बेक करेंगे। 4 से 5 बार टैप करेंगे। कढ़ाई हमारी बेक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अपना केक टिन रखकर उसको कवर कर देंगे। 30 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखिए, केक हमारा बीच से अभी रेडी नहीं हुआ है, दोबारा से कवर कर देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा वेट रख दिया था जिससे कि एयर बाहर ना निकले, हमारा केक अच्छे से बेक हो जाए। 1 मिनट हो चुके हैं। हमने केक को स्टिक से भी चेक करके देखा है तो स्टिक हमारी क्लियर निकली है, इसका मतलब हमारा केक बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, केक को एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने एक पैन में पानी गर्म कर लिया था, 2 कप पानी डाला था, उसको हाई फ्लेम पर गरम करके गैस ऑफ कर दी है। अब हम डालेंगे एक बाउल में, एक कांच का बाउल लिया है, इसमें डालेंगे हम डेरी मिल्क चॉकलेट। 3 डेरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है और ये मेरे पास डार्क चॉकलेट रखी थी तो मैंने 2 पीस चॉकलेट के भी डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून डाला है बटर, मेल्ट करने के लिए रख देंगे और 3 टेबल स्पून डालेंगे मिल्क। इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। चॉकलेट हमारी 1 से 2 मिनट में मेल्ट हो जाएगी।
यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क का यूज़ किया है। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, केक टॉपिंग हमारी रेडी है, केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये केक बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, कितनी आसानी से निकल चुका है। देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। हमने साइड चेंज कर दी है, अब जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे, चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। ये केक बहुत सिंपल है और वो जल्दी से घर में बन जाता है। थोड़ा थोड़ा साइड से नीचे की तरफ गिरा देंगे, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये बहुत सिंपल और इजी केक है, बहुत जल्दी घर पर ही तैयार हो जाता है, और वो भी बिना ओवन के। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी चोको चिप्स थी, मैंने वो ऊपर डाल दी है डिज़ाइनिंग के लिए। आप चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। यहाँ मैंने स्पार्कलिंग शुगर का भी इस्तेमाल किया है। केक हमारा रेडी है, चलिए कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना हमारा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।